हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मिर्च के टिपोड़े, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसको शादी पार्टी और किसी भी ओकेशन पे जरूर बनाया जाता है। तो ये देखिए कितने बढ़िया और टेस्टी ये लग रहे हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मिर्ची के टिपोड़े की रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हरी वाली मिर्ची ली है। आजकल मार्केट में बहुत बढ़िया हरी मिर्ची आ रही है, तो इसको मैंने धो के सुखा लिया था। और अब हम इसके मोटे मोटे पीसेस कट कर लेंगे। इसके आप बिल्कुल भी बारीक पीस मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये जो हमारी मिर्ची है घुल जाएगी और खाने में फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसे हमें क्रंची क्रंची ही रखना है, इसीलिए इसके मोटे मोटे चंक्स हमें करने हैं। तो इस तरीके से सारी मिर्ची को हम कट कर लेंगे। और ये जो टिपोड़े हैं बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और इसको आप 1 से 1.5 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते। और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारी मिर्ची को इसी तरीके से मैंने कट कर लिया है। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये इसको प्रिजर्व करके रखता है। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी जीरा, राई और सौंफ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा, इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी राई, और राई के साथ साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर सौंफ। तो यहाँ पर सौंफ डाल दी है और थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर हींग। हींग का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आता है, तो यहाँ पे हींग भी ऐड कर दी है देखिए। और बस ये हमारे मसाले चटक गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने हरी मिर्ची कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी हरी मिर्ची जो है वो भी ऐड कर दी है देखिए, और अच्छे से हम इसको अभी इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इस ऑयल के साथ। और जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी हमारी मिर्ची के टिपोड़े बनके तैयार होते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए मिर्ची जो है हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे। तो सबसे पहले डालेगा सॉल्ट टू टेस्ट, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है इसके फ्लेवर को बहुत ही बढ़िया बना देता है। तो 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और सिर्फ 1/2 चम्मच के करीब डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगी आमचूर। तो बस सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो हमारी मिर्ची है अच्छे से मसालों पे कोट हो जाए। और 1 से 2 मिनट के लिए और इसको हम इसी के साथ भून लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि मिर्ची जो है हमारी खड़ी खड़ी ही है, हमें इसको ऐसे ही रखना है, ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए मसालों के साथ मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और मसालों की कोटिंग जो है हमारी मिर्ची पे अच्छे से आ गई है, ये देखिए। तो बस रेडी है हमारे मिर्ची के टिपोड़े। इसको आप पूरी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, या फिर राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कितना आसान है इसे बनाना। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं हमारे मिर्ची के टिपोड़े। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोज़ को इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।